यार रमजान के दिनों में फिर से आ गए पतंगबाजी करने। और अशु भाई हमारे से इतनी सारी हमारे टेपिंग कर रहे हैं क्योंकि ये लड़ाएंगे नहीं। फैजान भाई खड़े हैं और चलते अपोजिट की पतंग दिखाते हैं। अपोजिट ने पतंग बार कर दी। धूप बहुत तेज़ है, परछत अच्छी जिसकी वजह से छाई मिल रही है। फैजान भाई देखे एकदम वाइट वाइट बने, वाइट कबूतर। और चंद्रन जो है हमारे राइट साइड में खड़ी है, लेफ्ट साइड में हम खड़े हैं। हमारी पतंग पार हो गई है और अपोनेंट ने भी पार कर दी है। ये जो हरी टंकी इसके पीछे है ये देखे। तो फैजान भाई और कौन कौन आएगा अभी? जावेद भाई आएंगे, बलू भाई आएंगे, बस पांच लोग हैं। पांच लोग पतंग उड़ाएंगे। देखिए इतनी टेपिंग बहुत है, इतनी पतंगों की देखे टेपिंग हो गई है। सब फैजान भाई की पतंगे हैं, ये देखिए सब टेपिंग हो रही हैं। ये सब हो रही है ताकि जल्दी जल्दी जो है कटो और काटो। पहला फिर लड़ भी गया, हमने काट भी दिया। वीडियो मेरी कोई बनाने वाला था नहीं, ये लोग टेपिंग कर रहे हैं। अपोजिट टीम में मेंबर ज़्यादा है, अभी हम लोग तीन ही लोग हैं। जावेद भाई दुकान पर बैठे होंगे। और वो देखिए अपोजिट टीम ने बढ़िया गोल्ड डमरू अपनी दूसरी पतंग छोड़ दिया। वो पतंग हमें लगता है 250-250 मीटर पर लड़वा रहे होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं होगी। नहीं जी भाई, 250-250 मीटर पर पतंग हमने पार की है, इससे ज़्यादा लड़ाते नहीं हैं। ईद का चांद देखिए जोड़ रहा है। बाकी लोगों को पेज दिखाएंगे। और अपोजिट टीम बढ़िया है जिसने पतंग फिर से उड़ा दी है। और वो देखिए बिल्डिंग के पीछे आपको पतंग दिखेगी, ये देखिए खिंचती हुई दिखी। छत बहुत अच्छी है, दीवारें सबसे बढ़िया अच्छी हैं कि गिरने का कोई डर नहीं, क्योंकि भैया एक बार गिर भी चुके हैं पर बच गए। गिरने का टाइम नहीं था इसलिए भाई के हाथ दिखाते हैं। फैजान भाई उड़ा रहे पेज, ऊपर से हम कट गए थे, एक काटा वो कट गया। अपोजिट डाला भी थोड़ी तगड़ी पतंग, इनकी भी तगड़ी है। और इन्होंने जगह लेके उतारा, उसने सीधा किया और इन्होंने उतार दिया। बढ़िया पेच काट दिए यहाँ फैजान भाई ने। और डोर में दम होगा तो हाँ भाई, यहाँ डोरे अच्छी लड़ रही बशीर वेग लगता। बढ़िया पेच काटा भाई, क्या बताएं पेच नहीं दिखा पा रहे अपने भी और किसी के नहीं दिखा पाए। फैजान भाई का कटता हुआ पेच दिखाया और फैजान भाई खड़े हैं। ये देखिए दो बच्चे हैं। भैया पतंग पतंग उड़ाते हो क्या? पतंग उड़ाते हो? ये देखिए ये बच्चे भी पतंग उड़ाते हैं। बढ़िया है भाई, देखो सब लोग वीडियो का मजा लो। और पेज दिखाएंगे जरा, मेंबर और आ जाए फिर पेज दिखाएंगे। बढ़िया पेज काटे, दो पेज हो गए और तीसरा पेज लड़ रहा है। अब की देखते हैं काटते हैं या फिर कटते हैं। कटेंगे तो भाई इनके हाथ में आएगा सीरा, जैसा कि हम बोलते हैं मेरा दोस्त है हीरा, और इसके हाथ में आता है सीरा। इसने बाहर खींचा है फिर खड़ा खींचा है और बढ़िया पेज काट दिया है। यहाँ पे अशु भाई के हो गए तीन। और बढ़िया जो है पतंगे टीम उड़ा के जा रही है, रंगीन पतंगे उड़ा रही है। प्लेन बहुत कम, पट्टीदार, तौखिया, मांगदार, गेंदार, ऐसी पतंगे उड़ा रही टीम। और ये देखे हमारी पतंगे कन्ने मुन्ना भाई बांध रहे हैं। हमने पेच काटे, किसी ने नहीं वीडियो बनाई। और चले चौथा पेज दिखाने, शादतगंज से पतंग लड़ ली है। चलते हैं चौथे पेज। जो राइट साइड है पतंग वो है अशु की, और जो लेफ्ट साइड है वो है अपोजिट टीम की। अपोजिट टीम हम लोग के राइट साइड में खड़ी है। और पेज लड़ा अशु का, अशु ने बाहर लिया है और बहुत बढ़िया पेच काटा है अपोजिट टीम ने अंदर का गद्दा मार के। जो लेफ्ट साइड जगह ले रहा है वो अपोनेंट है और राइट साइड फैजान भाई। फैजान भाई ने दूर से मारा है, अपोनेंट ने पत्ता खींचा है और बढ़िया खींचा और पेच काट दिया अपोनेंट ने। अशु की पतंग देखते हैं सीधी है या राउंड है। राउंड है भाई, सही करना पड़ेगा। साइड जो पतंग है वो है बड़ू भाई की और लेफ्ट साइड अपोनेंट। पेज चल रहा है भाई, बड़ू भाई हाथ की तरफ जाते जा रहे हैं। अपोनेंट ने दो तीन पेज बढ़िया काटे, बड़ू भाई ने निकलता हुआ मारा भारी पतंग। ये देखे रखा और हाथ में इनके सीरा, बढ़िया पेज काटा अपोनेंट ने। बहुत बढ़िया डोर फेंकी और सीरा आया, बढ़िया डोर फेंका इन्होंने और इनके हाथ में आया सीरा। मुन्ना भाई देखो पीछे खड़े हैं, ये भाई उड़ा नहीं रहे। मारा है गद्दा मारा और बढ़िया पेज फिर से काटा अपोनेंट ने। और अशु कटे हैं ये गद्दा, अशु का गद्दा काटा भैया। जो राइट साइड है वो है जावेद भाई की और जावेद भाई ने निकलता वो मारा है
और बढ़िया गद्दा मार दिया और अपोनेंट ने अच्छे चार पांच पेच काटे थे और कट गया। हाथ चलने पेच चल रहा, हाथ रुके पेच रुका, मतलब अगर ये इनके हाथ रुकते हैं तो ये कटे या फिर काटा। अभी तो हाथ चल रहे हैं, मतलब हाथ में डोर है, पेच लड़ रहा है। अपोनेंट इनको बढ़ दे दी सर, इन्होंने चमका के ऊंचा दिया फिर अंदर चेहरे की तरफ रखा उसने, और चेहरे की तरफ पत्ता खींचने की कोशिश, पत्ता खींचने की कोशिश और नहीं आया पेच। राइट साइड जो बताएंगे वो जावेद भाई की, जावेद भाई ने रखा और बढ़िया मार दिया दो पेच के साथ, जावेद भाई के पूरे हुए। चलते जावेद भाई के तीसरे पेच पर, पतंग एक कट के आई है यहाँ पे और बच्चे जो हैं चार हमें मिल जाए, सब खड़े हैं। कबूतरबाजी शादतगंज में, ये देखिए एक एक नहीं दो दो तीन तीन टुकड़ियाँ हैं। ये देखिए लखनऊ में पतंगबाजी कबूतरबाजी सबसे ज़्यादा है। जावेद भाई का तीसरा पेच, राइट साइड वाली जावेद भाई की, लेफ्ट साइड अपोनेंट की। पेच चल रहा है, जो राइट साइड है स्क्रीन पे वो है जावेद भाई की और जो लेफ्ट साइड है वो है अपोजिट टीम की। अपोजिट टीम हम लोग के राइट साइड हैंड पे खड़ी है। जावेद भाई ने गद्दा मारा, उसने पड मारा, इन्होंने रोका, चमकाया और उठा लिया। देखिए कैसे पतंग चमका रहे हैं, और तार वाले बहुत हैं और चमकाते ही जा रहे हैं। उठा लिया पतंग, जावेद भाई ने रखा गद्दा, अपोजिट ने खींचा और उसकी कली गलती और बढ़िया खींच के काट दिया पेच अपोनेंट ने। इसी के साथ अपोनेंट का एक पेच पूरा हुआ। पतंगबाजी भाई बंद पे है, पतंगबाजी बंद पे 5:30 तक लड़ना था, फिर से जावेद भाई उड़ा के जा रहे हैं। लास्ट पतंग है, घोड़े का बाल बांध दिया है, कबूतर की लैंडिंग देखिए आप खाली, कैसे कबूतरबाजी हो रही है। वो देखे दो टुकड़ी जो है आपस में लड़ गई हैं, दो टीमें, जैसे पतंग में टीमें होती हैं वैसे कबूतरबाजी में टुकड़ी, ये देखे अपनी गिरा दी है, नहीं गिराया। और कितनी जगह से कबूतर उड़ रहे हैं और इधर पे लड़ रहा है, पतंगबाजी बंद पे है, टाइम फिक्स होके लड़ रहा था। ये देखिए, ये देखिए, ये कोई नया पे लड़ाना चाह रहे हैं। आपस में जब लड़ती तो ये हमारी ऐसे सद्दी काटते हैं, अब ये अपोनेंट टीम की भी जो है सद्दी काटना चाह रहे हैं। देखिए हाथ के बाद रख दिया और उसकी पतंग चली गई है हाथ से ही, इतना दौड़ा दो कि अगले का टून टूट जाए, चला गया भाई, भाई गया। ये देखिए हाथ पे रख दिया एकदम, वो देखिए गया, बढ़िया पेच, ये देखिए जा रहा है, देखिए बढ़िया पेच फंसा है। देखिए अब कौन कटता है और ये देखिए कोई अभी तक नहीं कट रहा है और लटके हैं, बढ़िया पेच काट दिया। ये देखिए दो भाई पतंगबाजी चलो भैया चलो।